हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो इस वीडियो में जैसा आपको जो वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम है विप्रो का, वो फिर से स्टार्ट हो चुका है, उसके रिलेटेड जो कुछ इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करना चाह रहा था। तो ये जो प्रोग्राम है, ये 15th of July तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो। एंड जस्ट आई थॉट कि यार जो भी इसके प्रोसेसेस हैं, बिकॉज इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेरीज वगैरह आते हैं। इनफैक्ट मैंने एक टेलीग्राम पे ग्रुप बना रखा है, मैं उसका लिंक भी दे दूंगा। अराउंड 500 एक्टिव मेंबर्स आज की डेट में वहां पे अवेलेबल हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट फेज में पार्टिसिपेट किया था विल्प में, और वो क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। उन्हें उनका इनफेक्ट आज की डेट में ऑनबोर्डिंग भी हो चुका है, तो उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। आप उस ग्रुप में ज्वाइन करके अपने जो कुछ क्वेश्चंस वगैरह है वो पूछ सकते हैं। वैसे मोटा मोटा क्या है पूरा वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम, वो यहाँ पे देखते हैं पोर्टल पे, और मैं आपको जो कुछ कुछ जो है चीजें हैं उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्पेशली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह को लेकर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रहती है जब आप यहाँ पे रीड करते हो। तो सबसे पहले तो URL देख लीजिए, careers.wipro.com/wilp, ठीक है। ये इनफैक्ट जो URL है, आप इसको बुक मार्क कर लो, क्योंकि लेट से ये अपॉर्चुनिटी चली जाती है 15 जुलाई, उसके बाद भी आप इस पे यहाँ पे विजिट कर सकते हो, देख सकते हो। जब भी नया आएगा फिर से विल्प प्रोग्राम, तो यहाँ पे ऑटो अपडेट हो जाता है, ठीक है। तो ये URL बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बुक मार्क कर लीजिए, स्पेशली अगर आप टारगेट कर रहे हैं विल्प में जो है सेलेक्शन होने का। उसके बाद जो है, सबसे पहले यहाँ पे आई थिंक साइट में जो है उतना अच्छा फॉर्मेट नहीं है, अप्लाई नाउ पे आप क्लिक कीजिए, फिर नेक्स्ट वाला जो पेज आता है वहां पे सारी डिटेल एक प्रॉपर वे में दी हुई है। तो वहां पे हम लोग देखते हैं पूरे डिटेल्स को, और स्टेप बाय स्टेप जितनी भी डिटेल दी हुई है उसको समझते हैं कि वो क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ देखोगे इवेंट फेज टू विल्प हायरिंग फाइनेंशियल ईयर 2021, ठीक है। तो ये 2021 फेज टू विल्प हायरिंग स्टार्ट हो चुकी है। जॉब डिस्क्रिप्शन में अगेन लिखा हुआ है कि वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम है। इट इज अ यूनिक लर्निंग इंटीग्रेटेड प्रोग्राम विच ऑफर्स BCA एंड BSc स्टूडेंट्स अ चांस टू बिल्ड रिमार्केबल करियर एट विप्रो वाइल परसुइंग देयर हायर एजुकेशन इन एमटेक फ्रॉम अ प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन इंडिया स्पॉन्सर्ड बाय विप्रो। तो यानी कि आपको जॉब मिल रही है, प्लस जो है आपको एमटेक करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और ये जो एजुकेशन का जो कॉस्ट है दैट विल बी स्पॉन्सर्ड बाय विप्रो। तो इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर समवन हु वॉन्ट्स टू लर्न एंड अर्न, ठीक है। आपकी पढ़ाई कंटिन्यू हो रही है, प्लस यू हैव गुड चांस ऑफ अर्निंग मनी एज वेल। सो दैट आई मीन दैट इज द रीजन आई प्रिफर दिस सॉर्ट ऑफ प्रोग्राम, बिकॉज गोइंग फॉर मास्टर्स अगेन डजंट रियली गिव यू मच बेनिफिट आफ्टर ग्रेजुएशन। तो उसके बाद आते हैं क्वालिफिकेशन पे। क्वालिफिकेशन बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 10th 12th जो है आप पास होने चाहिए। उसके बाद ग्रेजुएशन है उसमें 60% और 6 CGPA अबव एज एप्लीकेबल बाय द यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस। तो 10th एंड 12th में अगर हम देखें तो इन्होंने कोई जो है मिनिमम स्कोर आपका कितना होना चाहिए वो कोई क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं बोला हुआ है। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं या जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, उनको ये भी कंफ्यूजन रहता है कि यार 10th में या 12th में मेरे 60% नहीं थे तो एम आई एलिजिबल। तो अगर हम इस पोर्टल पे देखें तो यहाँ पे कोई मिनिमम क्राइटेरिया एटलीस्ट 10th या 12th में तो नहीं दिया, सो यू आर एलिजिबल इफ यू हैव इवन लेस देन 60% एज वेल। ग्रेजुएशन में अगेन यहाँ पे लिखा हुआ है 60% और 6 CGPA, ठीक है। तो ग्रेजुएशन में यानी कि मिनिमम आपको 60% जो है स्कोर जरूरी है या 6 CGPA जरूरी है। उसके बाद है ईयर ऑफ पासिंग 2021 ओनली, तो जो 2021 में ग्रेजुएट हुए हैं उन्हीं के लिए ये जॉब एप्लीकेबल है एज ऑफ नाउ, ठीक है। अभी इससे पहले जब शुरू हुआ था विल्प, आई थिंक 2 डेढ़ 2 महीने पहले, तो उसमें 2020 वाले भी जो ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी थी, बट दिस वन इज ओनली फॉर 2021 ग्रेजुएट्स। उसके बाद क्वालिफिकेशन, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस अगर आपने किया देन यू आर एलिजिबल, बैचलर ऑफ साइंस किया है आपने तो उसमें जो एलिजिबल स्ट्रीम्स है जैसे कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, स्टेटिस्टिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फिजिक्स, ठीक है। तो ये सारे जो है एलिजिबल है। उसके बाद अदर क्राइटेरिया जो है, अदर क्राइटेरिया में एक बार देख लेते हैं, मैंडेटरी टू हैव स्टडीड कोर मैथमेटिक्स एज वन सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन। तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने कोर मैथमेटिक्स जो है ग्रेजुएशन में स्टडी की होनी चाहिए। अगर आपने बिजनेस मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स किया हुआ है तो दैट इज नॉट बीइंग कंसीडर्ड। तो ये जो एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, ठीक है। अगर आपका ये मैच नहीं करता देन ऑब्वियसली यू आर नॉट यू नो एलिजिबल। उसके बाद आते हैं मैक्सिमम ऑफ 3 ईयर्स ऑफ एजुकेशन गैप इफ एनी इज अलाउड बिटवीन 10th एंड ग्रेजुएशन, ठीक है। इस पॉइंट को लेके 2-3 जो क्वेश्चन मुझे लिंक्डइन वगैरह पे आए थे कि उनका ग्रेजुएशन में गैप है, जैसे उन्होंने ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर किया, फिर 1 साल का गैप है, फिर सेकेंड और थर्ड ईयर किया,
सो आर दे एलिजिबल, बिकॉज उन्होंने ये लाइन पढ़ी थी कि मैक्सिमम 3 ईयर्स ऑफ एजुकेशन गैप इज अलाउड बिटवीन 10th एंड ग्रेजुएशन. तो एक्चुअली इफ यू हैव गैप इन ग्रेजुएशन देन इट इज नॉट एलिजिबल. ठीक है, अगर आपका 10th और ग्रेजुएशन के बीच में गैप है तो 3 साल तक का गैप जो है एक्सेप्टेबल है. जैसे जैसे आपने 10th के बाद 1 साल का गैप ले लिया, फिर आपने 11th 12th किया, फिर मे भी शायद 1 और 2 ईयर का गैप ले लिया आपने, दैट इज फाइन. सो एनी अप टू 3 ईयर्स ऑफ गैप जो है एजुकेशनल गैप है बिटवीन 10th एंड ग्रेजुएशन, वो चीज अलाउड है. लेकिन नेक्स्ट लाइन आप देखोगे, नो गैप्स आर अलाउड इन ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन शुड बी कंप्लीटेड विद इन 3 ईयर्स. जैसे लेसे अगर आपने 2018 में ग्रेजुएशन में आपने जो है एडमिशन लिया था, तो 2021 यानी विद इन 3 ईयर्स आपका ग्रेजुएशन क्लियर होना चाहिए. ग्रेजुएशन में कोई भी गैप जो है वो अलाउड नहीं है. तो अगर आपका ग्रेजुएशन के बीच में गैप्स हैं देन यू आर नॉट एलिजिबल. उसके बाद लिखा है, एजुकेशन शुड बी रेगुलर फुल टाइम ओनली इन 10th 12th एंड ग्रेजुएशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो सीधा सा मतलब है, अगर आपने रेगुलर स्टडीज की है देन यू आर एलिजिबल. अगर जैसे आपने इग्नो से की है या कोई ओपन यूनिवर्सिटी से की है देन यू आर नॉट एलिजिबल. इनफैक्ट जो हमारे बैच में जब मैंने 2010 में ये स्टार्ट किया था, ठीक है, तो उस टाइम इनफैक्ट एक मेरा फ्रेंड था, उसने इग्नो से ग्रेजुएट था वो, एंड समहाउ ड्यूरिंग द इंटरव्यू आई मीन उसका सेलेक्शन हो गया. ठीक है, समहाउ ये मिस हो गया पॉइंट, उससे भी उसने भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं देखा. लेकिन लेटर ऑन जो है फिर उसको ऑब्वियसली जो है विप्रो छोड़ना पड़ा, आई मीन बिकॉज ही वॉज नॉट एलिजिबल. तो ये जो है ये चीज ध्यान में रखिए, अगर आप रेगुलर आपने स्टडी की है 10th 12th एंड ग्रेजुएशन देन ओनली यू आर एलिजिबल. उसके बाद आते हैं, ऑल एरियर्स एंड बैकलॉग्स नीड्स टू बी क्लियर एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस. तो सिलेक्शन प्रोसेस के बेसिकली पहले पहले आपके जितने बैकलॉग्स हैं वो सारे क्लियर होने चाहिए. उसके बाद, शुड बी एन इंडियन सिटीजन, तो इंडियन सिटीजन होने चाहिए आप. अगर इंडियन पासपोर्ट आप कैरी नहीं करते हो तो आपके पास PIO या OCI कार्ड होना चाहिए. आई थिंक इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. भूटान एंड नेपाल के नेशनल्स हैं तो उनके पास जो है सिटीजनशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए, विच इज क्लियर इनफ. उसके बाद है, कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन एनी सिलेक्शन प्रोसेस हेल्ड बाय विप्रो इन द लास्ट 3 मंथ्स आर नॉट एलिजिबल. अगर आपने पिछले 3 महीने में किसी भी टाइप का इंटरव्यू बेसिकली विप्रो में दिया है अपने सिलेक्शन के लिए तो यू आर नॉट एलिजिबल. तो दोबारा विद इन 3 मंथ्स आप जो है अप्लाई नहीं कर सकते हैं. तो ये चीज का ध्यान रखिए, अगर जैसे आपने लास्ट महीने ही कोई इंटरव्यू दिया था देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम एज ऑफ नाउ. अगेन हो सकता है इसका नेक्स्ट फिर से आए और आपका जो 3 मंथ्स का जो पीरियड है वो निकल जाता है, देन यू कैन अप्लाई अगेन. उसके बाद आते हैं स्टाइपेंड डिटेल्स, यानी कि जो ये प्रोग्राम है इस प्रोग्राम में आपको पैसा कितना मिलेगा. तो फर्स्ट ईयर में जो है स्टाइपेंड है 15,000, यानी कि जो आपको 15 ऑन एन एवरेज लगभग 15,000 रुपये पर मंथ के आसपास आपको हर महीने मिलेगा फर्स्ट ईयर में. उसके बाद सेकेंड ईयर में आपको हर महीने मिला करेगा 17,000 रुपीज. ठीक है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस आप इसमें समझ लीजिए 500 से 800 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मोटा मोटा आप समझ लीजिए आपको इतना ही अमाउंट मिलेगा. थर्ड ईयर में आपको मिलेगा 19,000, फोर्थ ईयर में आपको मिलेगा 23,000. एक यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है सर्विस अग्रीमेंट. सर्विस अग्रीमेंट में यहाँ पे क्या लिखा है, ऑन ज्वाइनिंग कैंडिडेट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू साइन ए सर्विस अग्रीमेंट फॉर 60 मंथ्स. ठीक है, यानी कि आपका 60 मंथ्स हो गया आपका 5 ईयर्स, 5 ईयर्स का आपका सर्विस एग्रीमेंट होगा. तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने एक बार इस प्रोग्राम के लिए कमिट कर लिया है तो आपको 5 ईयर्स का सर्विस एग्रीमेंट है, यानी आपको 5 ईयर्स तो मिनिमम विप्रो के साथ रहना पड़ेगा. और अगर आप नहीं रहते हो अगेन देन ऑब्वियसली योर जो ये जो आप विल प्रोग्राम कर रहे हो विप्रो विल नॉट स्पॉन्सर एंड इट विल गो फॉर अ टॉस. ठीक है, सीधी सी बात है. तो मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपने माइंड मेकअप किया हुआ है कि यार मेरे को लर्निंग प्लस अर्निंग टाइप का प्रोग्राम करना है, मेरे को हायर स्टडी के लिए जाना ही जाना है, तो ही आप इस प्रोग्राम को ऑप्ट करो. क्योंकि ये 5 ईयर्स का जो सर्विस एग्रीमेंट है इस पे थोड़ा सा आप कंसीडर करो, उसके बाद जो है आगे आगे का काम करो. बिकॉज ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कमिट कर लिया, एक आधा साल कर लिया, उसके बाद देन यू वॉन्ट टू ज्वाइन समथिंग एल्स. तो उस केस में आई थिंक इट इज नॉट वर्थ. अगर आप कमिटेड हो फॉर 5 ईयर्स आई थिंक देन इट इज अ बेटर प्रोग्राम टू ऑप्ट फॉर. उसके बाद जो है अगेन इसकी जो बहुत ज्यादा डिटेल चाहिए, कोई स्पेसिफिक आपके क्वेरीज हैं, तो जैसा मैंने बोला आपको हमने ग्रुप बनाया हुआ है एक विल्प का जिसमें ऑलमोस्ट 500 मेंबर्स एक्टिव है एज ऑफ नाउ. तो उसमें जाके आप क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं, वहां पे आपको स्पेसिफिक क्वेश्चंस के भी आंसर जो है जो स्टूडेंट वगैरह ने या जो फ्रेश ग्रेजुएट्स है जिन्होंने अभी अभी क्लियर किया है विल्प वगैरह, तो उसके आंसर वो दे देते हैं. उसके बाद बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा.
तो जो भी एक बार आपने यहाँ पे अप्लाई वगैरह कर दिया, उसके बाद जो है आपका इंटरव्यू होगा, सारा कुछ आज की डेट में ऑनलाइन हो रहा है। तो सबसे पहले क्या होगा, आपका ऑनलाइन असेसमेंट जो कि 80 मिनट्स का है। ऑनलाइन असेसमेंट में जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे एप्टीट्यूड टेस्ट, वर्बल, एनालिटिकल, क्वांटिटेटिव, ठीक है। इस सेक्शन हैज 20 मिनट्स, 20 क्वेश्चंस। उसके बाद रिटन कम्युनिकेशन 20 मिनट्स का। उसके बाद अगर ये आपका क्लियर हो जाता है, अगर आपका ऑनलाइन असेसमेंट क्लियर हो जाता है, उसके बाद आपका होगा कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू गो थ्रू अ टेक्निकल इंटरव्यू फॉलोड बाय अ एचआर इंटरव्यू। तो अगर आप एप्टीट्यूड टेस्ट आपका क्लियर हो जाता है, उसके बाद आपको नेक्स्ट मेल आएगी फॉर टेक्निकल इंटरव्यू। उसके बाद फिर आपका टेक्निकल इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, देन यू विल गेट अ मेल फॉर एचआर इंटरव्यू विच इज क्लियर इनफ। यानी कि 3 राउंड आपके होंगे, एक आपका राउंड हो गया एप्टीट्यूड का, फिर हो गया टेक्निकल, उसके बाद थर्ड जो है एचआर का हो गया। अगेन फिर से यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट्स हु हैव पार्टिसिपेटेड इन एनी सिलेक्शन प्रोसेस हेल्ड बाय विप्रो इन लास्ट 3 मंथ्स आर नॉट एलिजिबल। अगेन ये चीज बार बार यहाँ पे इसलिए लिखी गई है बिकॉज यू शुड नॉट पार्टिसिपेट अगेन। कई बार जो कुछ स्टूडेंट्स है ना, दे आर स्मार्ट एनफ, वो नई नई ईमेल आईडी बना के दे अप्लाई अगेन, बट आई मीन यू कांट रियली गेट अवे विद दिस, ठीक है। जब आप पकड़े जाओगे तो यू विल नॉट बी एलिजिबल एंड इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू। तो ऐसा मत करो, अगर आपने विद इन 3 मंथ्स ऑलरेडी दिया हुआ है देन डोंट ट्राई फॉर इट अगेन, वेट फॉर दैट 3 मंथ्स यू नो पीरियड टू पास। उसके बाद आते हैं इट विल सोली बी अ डिस्क्रिप्शन ऑफ विप्रो टू परमिट। तो बेसिकली ये अगेन अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो या नहीं होते हो, यू आर एलिजिबल और नॉट एलिजिबल और वट एवर, फाइनल जो डिसीजन है विप्रो का है, तो नो कि आप सेलेक्ट हो गए या नहीं हो गए। उसके बाद जो है लास्ट डेट टू अप्लाई 15 जुलाई, यानी आज है 5 जुलाई, सो यू स्टिल हैव, यू गाइज हैव 10 डेज विच इज यू नो क्वाइट इनफ टाइम टू अप्लाई। और ये वीडियो को आप शेयर वगैरह कर सकते हो अपने जो ग्रेजुएट्स हैं, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, ताकि यू नो दे कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम। उसके बाद अगर अगेन कोई स्पेसिफिक क्वेरी है देन गो अहेड राइट एन ईमेल टू manager.campus@wipro.com एंड पुट दिस इन सब्जेक्ट लाइन, ओके। यू नीड टू राइट विल -2021 एंड मोस्ट प्रॉब्ली यू आर गोइंग टू गेट एन आंसर विद इन 3 वर्किंग डेज। सो दिस ऑल अबाउट यू नो विल 2021। यू कैन क्लिक हियर ऑन अप्लाई, देन यू नीड टू प्रोवाइड योर ईमेल आईडी टू कंटिन्यू विद एप्लीकेशन प्रोसेस। ऑब्वियसली मैं यहाँ पे ईमेल आईडी देकर अपना एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं करने वाला, आई एम ऑलरेडी वर्किंग विद विप्रो फॉर यू नो मोर देन 10 ईयर्स एंड आई वॉज यू नो पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, सो आई रियली लव दिस प्रोग्राम एंड आई थिंक इट इज गुड अपॉर्चुनिटी फॉर समवन लाइक यू नो हु वॉन्ट्स टू कंटिन्यू विद वर्किंग एंड अर्निंग, सो दिस इज गुड। नाउ द अदर थिंग विच यू नो आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट, बहुत से स्टूडेंट्स हैं उनको कन्फ्यूजन रहता है यार, शुड आई गो फॉर एमसीए और शुड आई गो फॉर दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम। सो अगेन इन पर्टिकुलर आई हैव टोल्ड इन माई प्रीवियस वीडियोज ऑल्सो, आई एम नॉट रियली ग्रेट फैन ऑफ यू नो गोइंग फॉर अ फुल टाइम एमसीए। सो एटलीस्ट फ्रॉम माई पर्सनल ओपिनियन परस्पेक्टिव आई विल सजेस्ट कि आप जो है वर्क इंटीग्रेटेड सॉर्ट ऑफ लर्निंग प्रोग्राम करो जिसमें यू गेट रियल आईटी एक्सपीरियंस, तो दैट रियली गिव्स यू नो लॉट ऑफ एज ओवर समवन हु हैज डन जस्ट एमसीए, दैट इज वन थिंग। उसके अलावा आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि मैंने ऑलरेडी डिफरेंट वीडियोज में आंसर किया हुआ है, एक स्पेशली जो डिग्री को रिलेटेड लेकर रहता है कि डिग्री है वो किस टाइप की मिलती है, तो उसमें मैंने स्पेशली अपनी डिग्री भी दिखाई थी और वो वीडियो बनाया था, उसका लिंक भी मैं दे दूंगा। तो कैसी डिग्री मिलती है, क्या उस पर पार्ट टाइम लिखा होता है, फुल टाइम लिखा होता है, वो सब सारा उस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ। उसके अलावा बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि जो बीसीए के बाद हम एमटेक कैसे कर सकते हैं, बिकॉज जो एमटेक है वो बीटेक के बाद होना चाहिए। तो गाइस दिस इज अ स्पेशल प्रोग्राम, दिस इज नॉट लाइक एन ऑर्डिनरी प्रोग्राम एंड दिस इज नॉट अ प्रोग्राम विच यू नो विप्रो इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनी डिग्री। जो आपको डिग्री मिल रही है वो मोस्ट प्रोबेबली बिट्स पिलानी से मिलने वाली है, ठीक है। बिट्स पिलानी अगेन आप बिट्स पिलानी की वेबसाइट पे जाके विल्प लिख के सर्च मार सकते हैं और वहां पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यू नो आई थॉट ऑफ शोइंग इट टू यू हियर बट अगेन देन दिस वीडियो इज गोइंग टू गो यू नो इट इज गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग, तो उसका कोई फायदा नहीं है। यू कैन जस्ट गो टू बिट्स पिलानी वेबसाइट, देयर यू कैन सर्च फॉर विल्प एंड देन यू विल कम टू नो ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस प्रोग्राम, देन हाउ दैट हाउ यू नो आफ्टर बीसीए के अलावा आप कैसे, मतलब बीसीए के बाद कैसे आप जो है एमटेक कर पा रहे हो, तो वह सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। जो सारा एजुकेशनल प्रोग्राम है या डिग्री है मोस्ट प्रॉब्ली आपको बिट से मिलने वाली है। विप्रो इसमें आपको डिग्री में आप विप्रो का कोई रोल नहीं होता, विप्रो आपको सिर्फ ये जो कॉस्ट है वो वगैरह स्पॉन्सर करता है। उसके अलावा जो आपको वर्क एक्सपीरियंस यू नो की अपॉर्चुनिटी मिलती है, यू यू गेन अ लॉट फ्रॉम दिस प्रोग्राम। सो दिस ऑल आई हैड टू से, इफ यू हैव अगेन सम स्पेसिफिक क्वेरी फील फ्री टू राइट इन द कॉमेंट बॉक्स एंड ऑल्सो प्लीज ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप, सो ऑल योर यू नो स्पेसिफिक क्वेश्चन गेट आंसर देयर।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।